बांदा के विकासखंड कमासिन में एक ही नामांकन होने से भाजपा प्रत्याशी की राय हुई आसान। एक ही नामांकन होने के चलते निर्विरोध हुआ प्रत्याशी, सिर्फ औपचारिकता बची शेष। ब्लॉक प्रमुख पद पर सिर्फ एक ही किया गया नामांकन। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमासिन विकास खंड का है, जहां पर विकास खंड में एक ही नामांकन होने से भाजपा प्रत्याशी रामेंद्र गर्ग लोहरा हुए निर्विरोध, सिर्फ औपचारिकता बची शेष। एक ही नामांकन होने के चलते निर्विरोध हुआ प्रत्याशी, जिसके चलते भाजपा में हुई खुशी की लहर। वहीं क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा व भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, विवेकानंद गुप्ता, महामंत्री सुनील पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, मंडल अध्यक्ष कमासिन सोहन सिंह, अध्यक्ष मरका व अन्य पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर बड़े गर्म जोशी के साथ ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रामेंद्र गर्ग को फूल माला पहनाकर किया स्वागत और जीत की दी बधाई। इस दौरान खंड विकास अधिकारी अमरनाथ पांडेय, एडीओ पंचायत धर्मेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष रामश्रेय सिंह, उप निरीक्षक सरफुद्दीन खान, समस्त कांस्टेबल, भाजपा के इंद्रेश द्विवेदी, धनंजय करवरिया, विजय मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता, यूपी हेड। पानी पियाओ। आज आपने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया है, क्या लगता है आपको कि ब्लॉक प्रमुख ने विरोध बनाया? मैं राजेंद्र कुमार गर्ग आज ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन किया। ये निर्णय तो पता नहीं क्या निर्विरोध है कि क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। ये तो अगला समय कल बताएंगे। यदि आप निर्विरोध चुने गए हैं तो आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगे? पार्टी को, पार्टी के वर्ग को। नामांकन करवाया है, कैसा रहा नामांकन, क्या रही पूरी गतिविधि? ऐसा रहा कि नामांकन हमारे जो रामेंद्र गर्ग जी का हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उत्साहित हुआ, और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामांकन में हमेशा उत्साह होता है, और आगे जो भी अगर नियम हो जाए उसे मेरी सब जानकारी जो थोड़ी सी हुई है कि एक ही नामांकन दाखिल हुआ, अगर एक हुआ तो हमारा पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी याद अली रामेंद्र गर्ग जी उन्हें घोषित होंगे, लेकिन वहाँ आधिकारिक तौर से हो जाएगी तभी। क्या हमें थोड़ा सा पता था, लेकिन आधिकारिक तौर से तो हम कहाँ बता पाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं रामेंद्र गर्ग के लिए इस कमासिन ब्लॉक को इतना उच्च स्तर पहुँचा दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का मोदी और योगी का जलवा हमेशा कायम रहे, क्योंकि जो कमासिन एरिया है, कमासिन वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक चहेता एरिया है, क्योंकि यहाँ 1300 करोड़ की जो जल योजना लगी है, घर घर नल बहुत अच्छी हुई है, कमासिन का एक सौभाग्य है, और हमारा हम अपना सौभाग्य मानते हैं कमासिन ने हमको एक रामेंद्र जैसे गर्ग जैसे निर्वोध दिया है, इसके लिए आप सब क्षेत्रवासियों को, सभी आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, बहुत बहुत ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुना जाना एक चर्चा का विषय है, कमासिन में है और किस तरह से क्या पूरी एक्टिविटी रही ब्लॉक प्रमुख पद की? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व को जो है विधानसभा बबेरू ब्लॉक कमासिन की तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। एक नवा चेहरा ब्लॉक कमासिन को दिया है उन्होंने, और उसके उपरांत इस कमासिन ब्लॉक के सभी बूथ सेक्टर मंडल के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों व शुभचिंतकों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा पार समर्थन दिया हमारे रामेंद्र गर्ग जी को, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा जनपद बांदा का, और मेरी कमेटी के वो वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, तो ये हम लोगों के लिए इस कमासिन ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और हम सभी लोग मिलकर के कमासिन ब्लॉक में इस ब्लॉक को हम आत्मनिर्भर ब्लॉक बनाएंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर हर जगह ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बना रहे हैं, आपका कथन क्या है उसमें? इसके पूर्व में आप लोगों ने सपा और बसपा की सरकारें देखी हैं और उन लोगों के अनैतिक कार्य भी देखे। आज कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी में खाली ट्विटर के माध्यम से, चाहे वो राहुल जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे प्रियंका जी रही हों, वो लोग ट्विटर के माध्यम से खाली वहाँ से अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। यहाँ फील्ड में काम करती है हमारी भाजपा, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के शुभचिंतक लोग।